this is like pure white. तो इस ब्लैक फ्राइडे में मैंने 3 शूज लिया है। हील पहन के ड्राइव कर रही थी, उसने मुझे पीछे से गाड़ी में ठोका। हाय एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आम्बी के पियानो रिसाइटल जो इवनिंग में शुरू हुई थी, और उसके बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग का फुल डे रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स गेट स्टार्टेड विद वीडियो, और चलिए हम भी का पियानो रिसाइटल देखते हैं। और आम्बी का ये पियानो रिसाइटल संडे को था, संडे को इवनिंग में, तो वहाँ पे ख़त्म होते के साथ वहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था थी, जैसे कपकेक्स हो गए, चीज़ हो गए, चिप्स हो गए, यही सब था। और उसके बाद सब थोड़ा सा पार्टी इंजॉय करने के बाद थोड़े बच्चों ने थोड़ा सा यहाँ पे इंजॉय किया, आम्बी ने थोड़ा सा पियानो फिर से प्ले किया, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़े से पिक्चर्स क्लिक किए टीचर के साथ में, और जाके यहाँ जो रिसाइटल वाला ये था, और आम्बी को थोड़ा सा और बजाना था पियानो, तो वहाँ पे उसको और थोड़ा सा पियानो प्ले की। और उसके बाद घर आ गई। घर आने के बाद कुछ उतना खाने का मन नहीं था, तो सिर्फ डोसा बनाई थी वही खाई। और आम्बी के लिए एक न्यू ब्लैंकेट आया है ये वाला, और ये ब्लैंकेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही हैवी है, और मुझे लग रहा है क्या कि ये वाला ब्लैंकेट को इसके बेड पे रख के देख रही थी कि कितना बड़ा है, क्योंकि ये किंग साइज का है और इसके बेड से ना बाहर निकल रहा है। तो मैं बोली आम्बी को ये वाला जो ब्लैंकेट है बहुत ही बड़ा है तुम्हारे बेड के लिए, इसको पहले क्लीन कर देती हूँ मैं, फिर उसके बाद तुम ये करना। बट उसे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है ब्लैंकेट, बहुत मोटा है, बहुत गर्म है, इसके साथ और एक्स्ट्रा ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसके बेड पे देख के सेट करके चेक कर रही थी कि कैसा है, और ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगा। मैं 2 ब्लैंकेट ली हूँ इस टाइप में, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ठंड में भी बहुत गर्म है। और इस तरह से देखिए इसके बेड पे इधर भी लटका हुआ है बहुत ज़्यादा, और अदर साइड भी लटका हुआ है। तो मैं बोली चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसको पसंद देते हैं। The shoes for next year, because it's way too big. Which one? No, it's not big. Oh, not this one. So this one now. So this one. Both of them are different sizes, but they still fit. You're going to wear today these shoes. Here's another shoe. These ones. You picked all white. Well, Daddy did. तो इस ब्लैक फ्राइडे में आम्बी के लिए ये बस सब शूज ली हूँ, क्योंकि बच्चों के शूज बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, हर एक साल उनको शूज लगती है, और आम्बी को तो मुझे लगता है इसको हर एक 6th और 7th मंथ में इसके शूज है ना छोटे हो जाते हैं, और हमें लगता है क्या कि एक बड़ा साइज का लेके रख लो, तो मैंने इसीलिए ना बड़ा साइज का भी लेके इसके लिए रख ली हूँ। और ये रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए, तो आज बना रही हूँ इडली, और आम्बी को इडली ही चाहिए था लंच में, तो इडली से बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही कम्फर्ट फूड है और बहुत सॉफ्ट रहता है लंच टाइम तक खाने के लिए। और हस्बैंड के टिफ़िन बॉक्स के लिए बना रही हूँ इडली ही, बट उसके साथ मैंने फ्राइड इडली बना रही हूँ, ताकि उनको भी बोले सिंपल सा लाइट सा लंच देना, और इसलिए मैं उसको वही बना रही हूँ। और यहाँ पे आम्बी को मिल्क दे देती हूँ,
मिल्क में थोड़ा सा उसके लिए मैंने हॉट कोको डाल रही हूँ, उससे उसे टेस्ट अच्छा लगता है। और इसको दे देते हैं पहले, और ये अपना ब्रेकफास्ट करे, फिर स्कूल ड्रॉप करूंगी इसको। I was super annoying. There, I was just eating my lunch peacefully, like nothing ever happened. And then there's a wonderful itty bitty girl came up to me. I mean, she was itty bitty, and you know, like, I know she was like probably preschool, but I couldn't do anything about what she did. So I was just continue eating my lunch, like not knowing she was there, until she snatched one of my cookies. I ran back to her seat and started eating it. And I'm like, what? And Sarah's like, oh, gee. And then the next time she came up to me, she took one of my Italy's. What? So yeah. She ate your Italy? That means she likes your lunch. I have to be careful now. I hope she doesn't come back. That's why I have to sit on the other side of the table. How about I can give extra so that you can share with her? Well, you don't want to interfere with him. Oh, yeah, that's true. You cannot share your lunch. So. I mean, spreading germs is not good. Cool. Right. तो अपने आम भी स्कूल का स्टोरी सुना रहे थे। जनरली यहाँ बच्चे किसी के लंच बॉक्स टच नहीं करते हैं और कोई किसी के फूड शेयर नहीं कर रहते हैं, बट कोई कोई बच्चे होते हैं, ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं। मैंने उसको बोला कि ऐसा That's fine. You can share your food if she wants. It's fine, right? You cannot like complain or something. तो बोली या उसके बाद सुनने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे लंच प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से मसाले में ग्रीन पीस को अच्छे से फ्राई किया है और पनीर भी डाल रही हूँ, जैसे कि ये प्रोटीन भी हो जाए, फाइबर भी हो जाए, उसके साथ ही कार्ब्स हो जाए, तो आपका जो मील है ना बिल्कुल प्रॉपर सा मील होगा। तो यहाँ पे मेरे सारे इडली बन गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। और देखिए बहुत ही सॉफ्ट इडली बनती है। पहले तो मेरी इडली बहुत ही पत्थर जैसा बनता था, जैसा लगता था किसी को मार दो तो सर फूट जाएगा। बट अब मैंने बनाते बनाते सीख लिया है कि कैसे सॉफ्ट इडली बनाते हैं। तो इडली मेरा बन के रेडी हो गया। इसको निकाल देते हैं मोल्ड से और इसको कट कर लेते हैं और मिक्स कर देंगे अपने सब्जियों में, और उसके साथ ही हमारी फ्राइड इडली वाला लंच बॉक्स रेडी हो जाएगा। और बहुत ही टेस्टी होता है, सिंपल सा लंच बॉक्स है। इसके साथ आप चटनी ले लो या फिर अचार ले लो, कुछ भी ले लो, और बहुत ही सिंपल सा स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ऑफिस में खाने के लिए हेल्दी का लंच बॉक्स। तो इडली मेरी फ्राइड हो गई है बढ़िया से। इसमें मैंने डाला धनिया पत्ता खूब सारा, जिससे कि इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा है। और चलिए आम भी का लंच बॉक्स पैक करते हैं। तो ये रात को वहाँ से कपकेक लाई थी पार्टी से, तो वो मैंने एक दे दिया उसकी फ्रॉस्टिंग निकाल के। और इसको प्लेन इडली ही चाहिए होता है, या तो चटनी के साथ खाती है धनिया की चटनी, या फिर अचार के साथ में। और इसे नहीं पसंद है कोकोनट पीनट और सांभर ये सब, तो वो सिर्फ चटनी या अचार के साथ इडली खाना पसंद करती है। तो वैसे ही मैं इसको देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे इसके स्नैक्स में मैंने एक एप्पल कट करके दिया है, थोड़ा सा चिप्स दे दी हूँ, और हो गया ये इसका लंच बॉक्स। और इसका लंच बॉक्स पैक करने के बाद हस्बैंड का भी लंच बॉक्स पैक कर देते हैं। तो उनको स्नैक्स में मैं दे रही हूँ यहाँ पोमेग्रेनेट, जो कि स्नैक्स बॉक्स उनका अलग होता है, उनको भी एप्पल दिया मैंने। और इनका स्नैक्स बॉक्स यही हो गया। और लंच में जो मैंने बनाया फ्राइड इडली विद द पनीर एंड द ग्रीन पीस, बहुत ही टेस्टी मसाले वाला अच्छा लगता है, पनीर के साथ मैंने दिया है। और आमले का अचार जो मैं बनाई थी ना वो दी हूँ, काफ़ी हम लोग को पसंद आया ये अचार, और जब भी मुझे मिलेगा आमला तो मैं फिर से बनाऊंगी। तो इनका लंच बॉक्स भी हो गया है रेडी। और मैं कल हलवा बनाई थी रात को, हलवा भी है तो मैं हलवा उनको दे देती हूँ स्नैक्स में। और अभी चलिए आम भी को स्कूल ड्रॉप कर देते हैं। तो अम्बी को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे ऑफिस हस्बैंड को ड्रॉप करने के लिए। बेसिकली कार वही ड्राइव करते हैं, वापस घर जाते समय मैं कार लेके चली जाती हूँ। और आज मेरा ऑनलाइन क्लास है तो मुझे घर में ही रहना है और कॉलेज नहीं जाना है, तो उसके लिए मैंने अपना लंच बॉक्स नहीं पैक किया। घर आते ही के साथ ही ना यहाँ पे मैट्रेस फॉर्म से मैंने अम्बी के लिए, हम लोगों ने मैट्रेस ऑर्डर किया था तो वो लोग डिलीवर करके गए हैं। और अम्बी का जो मैट्रेस है पुराना वाला, बहुत ही ज़्यादा वो ख़राब हो गया है, और वो ना बच्चों के लिए अच्छा भी नहीं है। तो उसके लिए अच्छा वाला मैट्रेस हम लोगों ने ब्लैक फ्राइडे में ऑर्डर किया है, काफ़ी अच्छे हैं ये वाला। मैं इसको ना उसके बेड पे डालूंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी।
ब्लैक फ्राइडे में मैंने 3 शूज लिया है, एक कॉस्को से और ये दोनों रैक रूम से है। आम्बी का तो यहाँ पे रहा, हस्बैंड का वो है। और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, एडिडास का है और बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल है, मुझे ये शूज बहुत अच्छा लगा। एक पेयर ये हो गया और एक ये हो गया, क्योंकि मेरे शूज ख़राब हो गए हैं, जितने पुराने थे ना सारे ख़राब हो गए हैं, तो ये हो गया मेरा शूज। मुझे सैंडल ये सबसे ज़्यादा अच्छा ना शूज लगता है, मैं बहुत ही शूज की फ़ैन हूँ। और मैंने 2 शूज लिया है यहाँ से, ये हो गया रैक रूम शूज से लिया है मैंने, और ये वाली शूज है कॉस्को की। तो शूज ना बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, इवन ड्राइविंग के लिए भी। मुझे तो मोस्ट मैं हील पहन के ड्राइव नहीं कर सकती, और मुझे ऐसे शूज चाहिए, कंफर्टेबल शूज, ताकि ड्राइव करने में अच्छा हो। और ये वाला शूज भी बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल शू है। और क्योंकि मेरे साथ हील वाला एक इंसिडेंट हुआ है, मैं जब अम्बी को स्कूल से लेके आ रही थी ना, तो एक लेडी थी हील पहन के ड्राइव कर रही थी, उसने मुझे पीछे से गाड़ी में ठोका ठोका तो इतनी तेज आवाज़ आई, तो मैंने मुझे लगा क्या हुआ, तो उसने वहाँ पे क्रैश हुआ था हम लोग का कार का स्कूल से आते टाइम शाम के समय। तो इतनी ठंड थी, पिछले साल की बात है, तब मैंने उसको देखा कि वो क्या पहनी थी, तो वो हील पहनी थी। वो हील जो होता है ना, हील का सोल होता है ना, वो काफ़ी ना स्लिपरी होता है और बहुत ही जल्दी ना ब्रेक पर से स्लाइड कर जाता है। अगर मान लो आप सिग्नल से निकल रहे हो और आप मतलब कि आप सिग्नल पे हो, सिग्नल पे ना सभी लोग भागना चाहते हैं, तो क्या होता है ना, वो इतना ज़ोर से ना अपने एक्सीलेटर पे एक्सीलेटर दी ना, कि जस्ट जाके बैंग ऑन माय कार। सो आई वाज सो अफ्रेड, आई एम वाज सो स्केयर्ड कि व्हाट हैपन, हुआ क्या हुआ मम्मा। तो मैंने देखा कि ओ पहन के रखा, तो वो भी इतनी हील थी, तो उसके कारण मुझे उसने बोला कि मुझे कि आई गॉट स्लिप माई दैट हील, दैट्स वाई आई गॉट बैंग यू। तो मैंने कि इस लाइक नहीं कंफर्टेबल है तो हील पहन के नहीं चलाना चाहिए। मैं तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ हील पहन के, मुझे कोई बोल दे कि कार चलाने के लिए, मैं नहीं चला पाऊँगी। इवन स्लीपर पहन के मैं नहीं चलाती हूँ। तो कार ये सब होता है ना, बहुत ही सेफ्टी की चीज़ होती है, अपने अपने साथ जो है ना दूसरों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कार में आप सिर्फ एक आदमी नहीं बैठा होता है, अगर आपके पूरी फैमिली है तो सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में होती है, और कोई नहीं जानता कब क्या होगा। लेकिन मैं जब भी कार ड्राइव करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे भी सेफ रखें और अदर फैमिली को भी सेफ रखें, यही हमारा सोच होना चाहिए, क्योंकि ना कि जल्दी में जाके किसी को ये कर दें। तो ड्राइविंग जो है ना बहुत ही मुश्किल है, मुझे तो ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आता था, मैं इंडिया में कभी ड्राइव नहीं की हूँ, और ड्राइविंग के नाम से ही मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगती थी, मुझे सूख के जाते हैं, मैं तो बहुत वॉमिट करती थी, मुझे वॉमिट का ना वो था, तो मतलब कार के नाम से मुझे रोना आता था कि मैं कैसे जाऊंगी कहीं भी, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट होता था, बिल्कुल भी मुझे मन नहीं लग करता था कि मैं कार में जाऊँ। बट अभी मेरे फैमिली वाले सब लोग बोलते हैं अच्छा तुम कार ड्राइव करती हो और तुमको अब कार में वॉमिट नहीं होता है। मैंने नहीं नहीं अब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कार पूरा पैक होता है ना, वो पेट्रोल या गैस का स्मेल से ना मुझे अभी भी वो चक्कर सा आता है। बट लेकिन ड्राइविंग की जो मेरी जर्नी है बहुत ही लंबी है, बहुत ही लंबी जर्नी है, मैंने कैसे सीखा है मैं ही जानती हूँ, किसी और ब्लॉग में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि US में अगर ड्राइविंग करना सीखना है, आपको कुछ नहीं आता है ड्राइविंग में, जैसे मुझे, मैं तो इंडिया में साइकिल के अलावा और कुछ नहीं चलाई हूँ, स्कूटी या कुछ भी, तो मेरे जैसे अगर आप हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और मैं ज़रूर शेयर करूँगी अपनी ड्राइविंग वाली लेसन, कैसे जो है ना ड्राइव आप कर सकते हो US में। मेरे जैसा भोंदू आदमी ड्राइव करना सीख गया तो कोई भी सीख सकता है ना। तो इसीलिए शूज में मैं हमेशा कंफर्टेबल ही चूज करती हूँ, और कोशिश की करना चाहिए कि ड्राइविंग करते समय ना आपकी जो शूज है ना बहुत लाइट होनी चाहिए, अगर हैवी होगा ना तो फिर आपके पैर ना ये हो जाते हैं, अकड़न होने लगती है पैर में, तो शूज हमेशा कंफर्टेबल होना चाहिए। वैसे भी मुझे इतनी वॉकिंग करनी पड़ती है कॉलेज में कि मुझे शूज जो है ना सबसे कंफर्टेबल चाहिए, और अच्छी वाली हल्की वाली चाहिए। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड, कंटिन्यूएशन ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय एंड टेक केयर, बाय फ्रेंड।